हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 22 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1 और EVS 2 के भी लेसन मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल मी, देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं ट्रांसपोर्ट के अलग अलग, जैसे कि ट्रक है, या पे डोंकी, या फिर साइकिल, बाइसिकल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। स्टडी द पिक्चर शोन अबो अमोंग देम, फाइंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव यूज और सीन एंड पुट अ राइट इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट्स पिक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो भी व्हीकल्स दिख रहे हैं आपको, जो आपने कभी यूज़ किए हैं या फिर आपने कभी देखे हैं, उनके सामने आपको राइट टिक लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ट्रक आपने कहीं तो देखा होगा, ट्रक यूज़ नहीं किया लेकिन देखा होगा। उसके बाद साइकिल, बाइसिकल, ये तो हर किसी के घर में होते हैं। तो ये जो चीज़ें अगर आपने यूज़ किए हैं या फिर देखे हैं, तो ऐसे बॉक्स के सामने क्या करोगे आप, राइट टिक कर दोगे। फाइंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू ट्रैवल हाई अबो और अवे फ्रॉम अर्थ, ड्रॉ अ सर्कल इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट। तो जैसे कि देखिए, एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर है, या फिर मिसाइल्स होते हैं, ये ज़मीन पे चलते हैं क्या? नहीं, अर्थ से ऊपर ऊपर हाई, जहाँ पे हाइट होती है वहाँ पे, अर्थ से ऊपर जो व्हीकल्स जाते हैं, ट्रांसपोर्ट जाते हैं, उन्हें आपको यहाँ पे दिखाना होगा। जैसे कि आप क्या करोगे यहाँ पे, सर्कल, ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं उनके सामने आपको क्या करना है, सर्कल। जैसे कि ये वाला आएगा, देन मिसाइल वाला आएगा, इनके सामने आपको क्या करना होगा, सर्कल करना होगा। थर्ड है, हैव यू सीन द रिमेनिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एनीवेयर बिफोर। तो बाकी के जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दिख रहे हैं व्हीकल्स, इनको पहले कभी आपने देखा है? इन विच पीरियड ऑफ टाइम डू यू थिंक दे वेयर यूज, तो आपको क्या लगता है ये कब यूज़ किए होंगे? डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो देखिए, जैसे कि साइकिल्स, पहले जब मोटरसाइकिल्स वगैरह नहीं होती थी तब क्या होगा, साइकिल्स को ज़्यादा यूज़ करते थे, या फिर जो डोंकी होते हैं, इनको जब व्हीकल्स को इन्वेंट नहीं किया गया था तब एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो आप, डिस्कस कर सकते हो आपके फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ। फ्रॉम द एक्टिविटी अबो यू कैन सी दैट वी यूज डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री। अगर पहले से अगर हम देखेंगे पुराने ज़माने से, तो लोग जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी व्हीकल्स यूज़ करते थे, वही आज हम लोग करते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस हो रही है। जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे वैसे व्हीकल्स में भी क्या होते हैं, चेंजेस आते गए हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज नाउ डेज आर फास्टर एंड सेफर दैन दी ओल्डर वंस। जैसे कि पहले की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, बुलक कार्ट, जो बैलगाड़ी होती है, उसको यूज़ किया जाता था एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए। लेकिन आज ऐसा है क्या? नहीं, हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हैं कुछ ही टाइम में। जैसे कि एरोप्लेन, अगर ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फास्टर, काफ़ी जल्द वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही जो यहाँ पे व्हीकल्स दिए हैं, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं, इनमें क्या होते गए, डेवलपमेंट होते गए हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, कैन यू टेल में स्टडी द पिक्चर्स। अगेन आपको यहाँ पे थ्री पिक्चर्स दिख रहे हैं, ट्रेन, ट्रक एंड बुलक कार्ट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वॉट पर्पजेस डू वी यूज़ ईच ऑफ द अबो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, ट्रेन, ट्रेन हम कब यूज़ करते हैं, किस काम के लिए यूज़ करते हैं? जैसे कि आपको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जाना है, तो आप क्या करोगे, ट्रेन से जाओगे। उसके बाद दिया है ट्रक, ट्रक क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? अगर कोई चीज़ें या फिर जो भी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि क्रॉप्स होते हैं या फिर जो भी बाकी के मटेरियल्स है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रक्स को यूज़ किया जाता है। देन थर्ड वन है बुलक कार्ट, बुलक कार्ट को क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि फार्मर्स होते हैं, फार्मर क्या करते हैं, अपने जो क्रॉप्स है उनको अगर उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाना है, तो क्या करेंगे, बुलक कार्ट का यूज़ करते हैं। सेकेंड है, विच ऑफ दिस थ्री वॉज ई फर्स्ट टू बी यूज बाय मैन। तो सबसे पहले कौन सा व्हीकल है जो इंसान ने यूज़ किया था, ह्यूमन बींग्स ने यूज़ किया था, तो कौन सा आएगा? सबसे पहले ट्रेन बनी थी क्या? नहीं, सबसे पहले क्या बना था, बुलक कार्ट। जब लोगों को व्हील्स के बारे में पता चला कि व्हील्स कैसे बना सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, तब सबसे पहले तो बुलक कार्ट बना था। बाद में जो डेवलपमेंट होती गई, उसके बाद एक एक व्हीकल्स यहाँ पे बनते गए। थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट इज कॉमन टू ऑल दी थ्री। तीनों व्हीकल्स में, तीनों ट्रांसपोर्ट की जो आपको दिख रहे व्हीकल्स, इनमें सेम कॉमन पार्ट कौन सा दिखेगा? देखिए, अगर अच्छे से आप देखोगे तो आंसर क्या होगा, व्हील्स। सब में व्हील्स होते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, हर एक में व्हील होता ही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा है,
मैन यूज टू सी लॉग्स ऑफ वुड एंड राउंड बोल्डर्स रोलिंग डाउन माउंटेन स्लोप्स। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है। इट इज़ थॉट दैट दिस ऑब्जर्वेशन गेव हिम द आइडिया ऑफ द व्हील। यहाँ पे जो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ वो किस तरीके से हुआ, लोग क्या करते थे, इस तरीके के लॉग जो होते हैं ना, राउंड वुड एंड राउंड बोल्डर्स जो होते हैं, तो इनको यूज़ करते थे रोलिंग डाउन माउंटेंस या फिर स्लोप से कुछ चीज़ें लेने लेके जाने के लिए, फिर लाने के लिए लोग क्या करते थे, इस तरीके के यूज़ करते थे। लेकिन उनको ये समझ में आया कि इस तरीके की जो राउंड बोल्डर्स है अगर माउंटेन के ऊपर से गिरते हैं तो ये गोल गोल करके नीचे आ रहे, तो उसी चीज़ को देखकर इनको आइडिया आया कि हम लोग व्हील्स बना सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, इन ओल्डन डेज प्लैंक्स ऑफ वुड वेयर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ये फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है, इस तरीके के जो प्लैंक्स होते हैं मतलब जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं वुड के, इस तरीके के वो यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को या फिर ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए। लेटर बाय अटैचिंग व्हील्स टू दिस प्लैंक्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज। देखिए उसके बाद उन्हें क्या समझ में आया कि इस तरीके के जो वुडन लॉक्स होते हैं ये मूव हो रहे, अगर यहाँ पे स्लोप है तो ये क्या करते हैं, मूव हो रहे। तो इसी चीज़ का उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इमेजिन किया कि हम लोग व्हील्स बना सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जो फ्लैट प्लैंक था उसको इस तरीके के व्हील बना के अटैच कर दिए, और इसके कारण क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्ट था ये स्पीड मिलेगा। आप घर पे भी करके देखिए, कोई फ्लैट चीज़ होगी उसको खींच के देखिए, उसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसमें व्हील्स है तो फटाफट से आप खींच सकते हो। टाइम एंड एफर्ट वेयर सेव, तो इसके कारण टाइम सेव हो जाता है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। तो जो भी इंसान की, जो ह्यूमन बींग्स की जो भी यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा था, व्हील, क्योंकि व्हील के कारण ही उन्होंने व्हीकल्स बनाए थे जिनके कारण उनका ट्रांसपोर्ट ट्रेड वहाँ पे आगे इंक्रीज हुआ, तो इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। डू यू नो, मैं आपको दिया फिर से अगेन यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं या कैमल एंड पैलेंक्विन। इवन इफ अल्ट्रा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन इन्वेंटेड इन मॉडर्न टाइम्स, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मेन एंड एनिमल्स आर स्टिल यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जो बाद में डेवलपमेंट होती गई उनमें व्हीकल्स आने लगे थे, लेकिन कुछ जो वर्ल्ड का पार्ट था उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए अभी भी एनिमल्स और लोगों की, जो ह्यूमन बींग्स को यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि याक्स होते हैं, याक्स आर यूज इन इनएक्सेसिबल पार्ट्स, कैमल्स इन द डेजर्ट एंड पैलेंक्विंस और डोलीज इन माउंटेन्स एरियाज। तो इस तरीके के जो याक होते थे उनको भी यूज़ किया जाता था। कैमल्स जो होते हैं आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा या फिर एक्चुअल में भी देखा होगा कि डेजर्ट रीजन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कैमल्स। उसके बाद जो पैलेंक्विंस मतलब डोलीज होती है, इस तरीके के जो पहले किंग क्वींस होते थे उनके लिए इस तरीके के डोलीज यूज़ की जाती थी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। देन नेक्स्ट दिया है, वाटर एंड विंड आर सब्सटेंसेज दैट फ्लो। ये चीज़ हमें सबको पता है, पानी हवा ये फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर आप पानी फ्लोर पे गिराओगे तो एक जगह पे तो नहीं रहेगा, वो फ्लो हो जाता है। एयर भी जो होती है एक जगह पे होती है, क्या हम लोग फील करते हैं ना एयर की फ्लो हो रही है। पाइप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट दी सब्सटेंसेज, तो पाइप्स के थ्रू इन चीज़ों को, इन सब्सटेंसेज को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वाटर हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स और कनाल्स सीन्स एंशियंट टाइम्स। तो हमारे एंशियंट टाइम्स से चलता आया है कि पानी को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो यहाँ पे कैनल्स किए जाते हैं या फिर पाइपलाइंस। आपके घर में जो पानी आता है वो कैसे आता है, पाइपलाइन के थ्रू ही आता है। इट इज़ सेफर टू ट्रांसपोर्ट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस सच एज मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स। कंबस्टिबल का मीनिंग होता है जो इजीली जलने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल्स होते हैं या फिर नेचुरल गैस, इनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। क्रूड ऑयल इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी ऑयल वेल टू दी रिफाइनरी थ्रू पाइपलाइंस। तो देखिए जो ऑयल वेल्स, जो तेल के कुएं मिलते हैं उनमें से डायरेक्ट ऑयल निकल के हम लोगों के घर पे नहीं आता है, वो रिफाइन किया जाता है, तो रिफाइन के लिए वहाँ पे लेके जाना है तो पाइपलाइंस के थ्रू लेके जाते हैं। सिमिलरली आफ्टर रिफाइनिंग, एक बार रिफाइन हो जाता है तो उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है सीधा पाइपलाइन के थ्रू मार्केट प्लेस में, और उसके बाद फिर जिसको चाहिए वहाँ पे हम लोग ले सकते हो इन सम पार्ट्स। तो मार्केट प्लेस में आने के बाद सब लोगों को वहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके के जो वाटर है, एयर है, या कोई जैसे कि नेचुरल गैसेस है, मिनरल ऑयल्स, ये सारी चीज़ें जो फ्लो होने वाली चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस तरीके से पाइपलाइन के थ्रू। ट्राई दिस, में आपको दिया है, मंजीत एंड सलीम हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम अ माउंटेन, हाउ एवर सीन्स द वेट ऑफ द वाटर इज़ टू मच फॉर देम।
दे कैन नॉट कैरी इट डाउन देमसेल्व्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड दे यूज़। तो यहाँ पे जो मंजीत है, सलीम है, वो लोग क्या करने वाले, यहाँ पे माउंटेन से पानी ला रहे हैं, उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे किस तरीके से वो कैरी करके लाएंगे। तो आपको दिया है हॉर्स, हॉर्स को यूज़ करेंगे, पाइपलाइन या फिर पैलेंटिन, तो ये आपको सोचना है और आंसर देना है। अगर यहाँ पे एक्टिविटी है कैन यू टेल में, आपको कई सारे पिक्चर्स दिए हैं, पिजन है, उसके बाद टीवी, मोबाइल, यहाँ पे पोस्टमैन, ये सब चीज़ें आपको दिख रही है। वेरियस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर शोन अबो। कम्युनिकेशन की जो चीज़ होती है, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे के बात, कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज एक दूसरे को दिया जाता है, वो होता है कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पे विच ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज एट होम आर शोन इन दी पिक्चर्स, पुट अ ट्रायंगल नेक्स्ट टू देम। आपके घर में कौन सा कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, उसके सामने आपको ट्रायंगल करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी सबके पास क्या होता है, मोबाइल तो होता ही है, तो अगर आपके घर में लैपटॉप है और कोई चीज़ है, तो आप क्या करोगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है वहाँ पे आपको ट्रायंगल करना है। मोस्ट ऑफ सब लोगों के पास मोबाइल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड है विच ऑफ द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव यू सीन बिफोर, पुट अ सर्कल नेक्स्ट टू देम। अगर कम्युनिकेशन का कोई और यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपने देखा हो, जैसे कि लेटर्स होते हैं, आपने लेटर्स अगर देखे हैं या फिर लैपटॉप के ऊपर कम्युनिकेशन करते हुए पेरेंट्स को देखा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, सर्कल करना होगा, इस तरीके से ये एक्टिविटी आपको। थर्ड वन, फाइंड आउट अबाउट द रिमेनिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर टीचर। तो बाकी के जो रिमेनिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहे हैं आपको, उनके बारे में आप आपके टीचर से भी जान सकते हो। ऑप्टेनिंग और सेंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर एक दूसरे के साथ हम कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, सेंड करते हैं, जानते हैं, तो उसे ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे कि आप मोबाइल के थ्रू बात करोगे, आपके जो भी रिलेटिव्स दूर रहते हैं उनके साथ बात करोगे, तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सचेंज होती है, आप उनके बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में जानते हैं। या फिर लेटर, अगर पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते ही थे, किस तरीके से एक दूसरे को लेटर लिखते थे और लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। अ फ्यू सेंचुरीज एगो मैसेज वेयर सेंड बाय टाइंग अ लेटर टू द फुट ऑफ ए पिजन। मैसेजेस वेयर ऑल्सो सेंड थ्रू रनर्स इन लेटर्स टाइम्स, टेलीग्राम्स एंड द पोस्टल सर्विसेज केम इन टू यूज़। तो देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट होती गई कम्युनिकेशन में। सबसे पहले जब फ्यू सेंचुरीज एगो बताया गया है, मैसेजेस किस तरीके से दिए जाते थे, कोई भी मैसेज लिख के जो भी पिजन कबूतर जो होते हैं उनके पैरों में टाई किया जाता था, बांधा जाता था, और फिर वो कबूतर वहाँ पे जाके मैसेज देता था। मैसेज आर ऑल्सो सेंड थ्रू रनर, रनर्स होते थे कि जो लोग ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं उनके पास मैसेज दिए जाते थे, वो लोग फिर भाग के चल के जाके फिर वहाँ पे पहुँचाते थे मैसेजेस। उसके बाद फिर डेवलपमेंट होने के बाद कुछ टेलीग्राम्स और पोस्टल सर्विसेस आई कि लेटर लिखने लगे, वो जो पोस्टल सर्विसेज से डायरेक्ट जाने लगे। All these methods were very slow as compared to modern methods. तो ये सारी जो methods थी ये काफ़ी slow थी। अगर postal services से भी letter जाता है तो उसको कई दिन लगते हैं। अगर कोई इंसान चल के जाने वाला है, जो runners है, वो भी human beings है, वो तो एक दिन में या फिर कुछ घंटों में तो नहीं जा सकते, उनको भी time लगेगा। लेकिन जो modern methods होती है ये क्या होती है, fast है। मोबाइल से आप क्या करोगे, कुछ विद इन अ सेकेंड आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरे के साथ बात कर सकते हो। आपको कोई ईमेल या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो आप कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू तुरंत भेज सकते हो। नेक्स्ट है, नाउ डेज वी हैव न्यू टेक्निक्स फॉर वेरी क्विक कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हो, मोबाइल्स यूज़ कर सकते हो। कम्युनिकेशन इज़ नाउ यूज्ड इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में कम्युनिकेशन होता ही है। विद द हेल्प ऑफ मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। तो जो इंटरनेट है उसके थ्रू तो हम लोग काफ़ी पास पूरा वर्ल्ड एक साथ आ जाता है। टेलीविजन के थ्रू हम लोगों को कई सारी चीज़ें एक साथ पता चल जाती है। मोबाइल फोन्स हम लोग यूज़ करते हैं। वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद सेवरल पीपल एट द सेम टाइम। ये आपको भी पता होगा कि एक ही टाइम पे हम कई सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैन मेड सैटेलाइट्स आर यूज फॉर दिस पर्पज़। और जो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं ये काफ़ी काम करते हैं यहाँ पे। न्यूज़ पेपर्स, पीरियडिकल्स, बुक्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एक्सेट्रा और आर ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इन्हें मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, जैसे कि न्यूज़ पेपर, पीरियडिकल्स, बुक्स वगैरह होते हैं इनको। तो देखिए स्टूडेंट, जो लेसन का रिमेनिंग पार्ट है उसको हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी ये पूरा लेसन आपको समझ में आएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस लेसन में दी है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।